उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्राम प्रधानी चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, जिसमें खास बात यह है कि प्रदेश की योगी सरकार नारी शक्ति को राजनीति का जो मौका दिया है उसका महिलाओं ने धन्यवाद देते हुए स्वागत किया है, जिसका ताजा उदाहरण कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां मैथा ब्लॉक की ग्राम सभा काशीपुर में महिला सीट होते ही महिला प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिसमें अभी तक दो महिला प्रत्याशियों ने ग्राम प्रधानी का दावा पेश किया है, जिनके बीच चल रही जमीनी जंग में राष्ट्रीय लोधी युवा सचिव सुशील राजपूत की धर्मपत्नी अनीता राजपूत को पूरी ग्राम सभा ने हाथों हाथ लिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधानी चुनावों में हाईटेक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली, जिसका नजारा अनीता राजपूत के काफिले में देखने को मिला, जिसमें 101 लग्जरी गाड़ियों का काफिला जैसे ही निकला तो सभी की नजरें काफिले पर टिकी रह गई, साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। सर, अनीता राजपूत नाम है मेरा और मैं काशीपुर ग्राम सभा से उम्मीदवार हूँ। मैं अपने सभी ग्रामवासी भाई बहन माताओं को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश में 16 करोड़ जनसंख्या हमारी गांव में निवास करती है और मैं भी गांव से ही संबंध रखती हूँ। गांव कनेक्शन मेरा शुरू से ही रहा है, इसलिए मैं गाँव को पसंद करती हूँ। गाँव के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार हमारे लाखों करोड़ों रुपये हर एक ग्राम पंचायत को देते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे ग्रामवासियों को जानकारी नहीं हो पाती है, तो मैं अपने ग्रामवासियों से यही कहना चाहूंगी कि एक बार आप मौका दीजिएगा और मैं अपने गांव का विकास, सभी गांवों का विकास कराऊंगा। बहुत बढ़िया,